हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम वेनिला स्पॉन्ज केक बनाएंगे। इसलिए हमें 1 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, 3 और आधा बड़ा चम्मच तेल या ऑयल, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, 3/4 कप पानी, 3 अंडे की जर्दी, 3/4 कप पीसी हुई चीनी, 3 अंडे की सफ़ेदी, 1 कप प्लस 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी, 3/8 टी स्पून या छोटा चम्मच क्रीम ऑफ टाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट को सिफ्ट कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। ये हमें 3 टाइम करना है ताकि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिल जाए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 3 अंडे की सफ़ेदी और क्रीम ऑफ टार्टर डालेंगे। अब आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसमें वाइट विनेगर या सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छे से विस्क कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी और अच्छे से विस्क कीजिए। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारा बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारा जो चीनी और अंडे की सफ़ेदी का जो मिक्सचर है वो बन चुका है और बहुत अच्छे सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे अंडे की जर्दी, फिर हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी, 3/4 कप पीसी हुई चीनी, जबकि हमने जो एग वाइट में हमने डाला था 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। इसे एक विस्क की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। आप यहाँ पर हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा लाइट येलो कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, पानी और वेनिला एसेंस और विस्क की मदद से विस्क कर लेंगे कि हमें एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर मिल जाए। फिर हम इसमें हमारा जो मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट का जो मिक्सचर हमने सिफ्ट किया था वो 3 पार्ट्स में या 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें हम डालेंगे और एंड कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके इसे मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। फिर जो हमारा एग वाइट का जो मिक्सचर है या मेरेंग है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसे भी हम इसमें स्पैचुला की मदद से बहुत जेंटल हाथ यूज़ करके स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पैन दिया है, उसमें बटर लगाया है, ग्रीस किया है उसे उससे। फिर मैंने एक बेकिंग पेपर लिया है या बटर पेपर लिया है वो लगाया है और फिर डस्ट किया है मैदे से। अब हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे और इसे टैप करेंगे तो जो इसमें एयर बबल्स बने हैं वो इसमें से निकल जाए। मैंने मेरा ओवन 180 डिग्री या 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया है और हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब देख सकते हैं हमारा केक बनकर रेडी है। इसे ओवन से बाहर निकालेंगे और बहुत ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर आया है हमारे केक पर। इसे अब हम डीमोल्ड करेंगे। मैंने मेरी जो प्लेट है उस पर बटर पेपर लगाया है ताकि जो मेरा केक का टॉप है वो उस प्लेट पर स्टिक ना हो और उसे निकालने में आसानी हो।
फ्लिप करेंगे। इस पर से अब हम बटर पेपर निकालेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट फ्लफी सा हमारा केक बना है, बहुत ही एरी है, बहुत अच्छे से केक बना है। हमारा केक बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल बटन पर क्लिक कीजिए सो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ऑल्सो अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे मेरी कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करें। थैंक यू।